माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। माँ की ममता क्या होती है, माँ तुझ में हमने देखा। हे जगदम्बे तेरी गोद में सब जग को पलते। ओम शांति मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती का जीवन। ऐसी हमारी माँ अलौकिक असाधारण, जिनका जीवन अनेकानेक विशेषताओं से भरा हुआ। मम्मा के जीवन में अनेक विशेषताएं शिक्षाएं थी। मम्मा जब भी कहीं जाती थी बाहर सेवा केंद्रों पर, तो मम्मा सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ प्रेम पूर्ण ही रहती थी, मम्मा प्रेम पूर्ण के साथ नेम पूर्ण ज्ञान देवी भी थी। एक बार का उदाहरण है कि एक भाई ने मम्मा को कहा कि मम्मा आप यहाँ आए हुए हो, अब वहां हमारे पंजाब की तरफ भी चलो, वहां आओ मम्मा। तब मम्मा ने बड़े प्यार से उसको जवाब दिया कि नहीं, अभी तो मुझे यहाँ सेवा के लिए जाना है, फिर कुछ दिन के बाद पंजाब में आएंगे, वहां भी सेवा करेंगे। अब भाई फिर बार बार मम्मा को बोलने लग गया कि नहीं मम्मा, अब की बार तो आपको चलना ही पड़ेगा, आप भी चलो वहां सबसे मिलो। तब मम्मा ने उस भाई को शिक्षा देते हुए कहा कि देखो, मैं अगर तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम इतना प्यार से मुझे कह रहे हो, तो चलो मैं अगर तुम्हारे साथ चलती हूँ, लेकिन जहां मुझे अभी सेवा के लिए जाना है, वो इतनी आत्माएं इंतजार में बैठी होंगी माँ से मिलने के लिए, अब मैं वहां न जाकर तुम्हारे साथ चलती हूँ, तो अनेक आत्माएं जो इंतजार कर रही हैं, उनका बोझ फिर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। जब मम्मा ने उस भाई को ये शिक्षा दी, तो तुरंत उसको समझ में आ गया कि वाकई ये बात तो सही है कि हमारे को सिर्फ प्रेम पूर्ण ही नहीं बनना है, प्रेम के साथ साथ नियम पूर्ण भी चलना है। सिर्फ प्रेम से भी नहीं, जहाँ प्रेम से चलना है वहां प्रेम भी, लेकिन साथ साथ जो नियम हैं, उन नियमों को भी हमें जरूर ध्यान में रखना है, तभी तो हमारी मम्मा प्रेम पूर्ण और नेम पूर्ण ज्ञान देवी कहलाई। दूसरा एक दृष्टांत, हमेशा हमारे अधिकतर हम सुनते हैं, कई ब्राह्मणों की आदत होती है, कुछ भी गलती करते हैं और बार बार यही कहते हैं कि अरे मैं तो पुरुषार्थी हूं ना, क्या करूं, अभी भूलें होती रहेंगी, मैं तो पुरुषार्थी हूं। तो एक बार मम्मा के सामने भी किसी ने यही कहा कि क्या करूं, पुरुषार्थी हूं ना, गलतियां तो होंगी। तब मम्मा ने पुरुषार्थ का सही अर्थ समझाते हुए को शिक्षा दी कि पुरुषार्थ का मतलब ये नहीं कि हम बार बार गलतियां कर रहे हैं तभी हम पुरुषार्थी हैं, नहीं, पुरुषार्थ का मतलब है अगर एक बार जो भूल हो गई, दोबारा वो भूल दोहरानी नहीं है, तब कहलाए जाएंगे कि हाँ पुरुषार्थी हैं। बाकी पुरुषार्थी का मतलब ये नहीं कि गलतियां करते रहो और नाम रख लो कि मैं पुरुषार्थी हूँ। तो ऐसे मम्मा ने पुरुषार्थ का सही अर्थ समझाया। ऐसी ज्ञान की गंगा वो चैतन्य देवी जहां भी जाती थी, अपनी ज्ञान और शिक्षाओं से शिव बाबा को प्रत्यक्ष करते हुए चलती थी। उनकी स्वयं की लौकिक माँ भी उनको माँ कहकर बुलाती थी। बड़ा वंडर सबको लगता था कि उनको जन्म देने वाली माँ भी मम्मा कह रही है, क्योंकि मम्मा ने अपने उस लौकिक स्वरूप का बिल्कुल पूरी तरह से परिवर्तन करके
अपने नए अलौकिक मर्जीवा जीवन में ऐसे स्थित हो गई थी कि चाहे उनके कोई लौकिक मित्र संबंधी हो, चाहे कोई अज्ञानी हो, चाहे ज्ञानी हो, सबको भासना आती कि ये तो हमारी माँ है, अलौकिक माँ, कल्प पहले वाली मम्मा। तो ऐसी मम्मा की जीवन की विशेषता है, हम भी अपने आप को ऐसा मम्मा जैसा बनाए। ओम।